हेलो गाइस, माय सेल्फ भरत पवार, और आज हम वापस हाजिर हो गए आपके बीच में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो रात के इस समय 10:30 बजे हैं और आज आपकी क्लास चालू है 10 बजे रात को। चलिए, तो टॉपिक हमारे पास में जो हम डिस्कस कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे लगभग 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5। हमने लास्ट वीडियो में हमने मेंडलिज्म के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब हम अगला जो कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं वो है कि जो मेंडल थे, इन्होंने अपने डेटा 1865 में पब्लिश किए थे। बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बंदे ने अपना काम का जो हिसाब किताब था 1865 में दे दिया, बट फिर भी 90s तक बंदा गायब रहा। किसी को बंदा कहाँ गया, क्या था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि बंदा चला गया था, बट इनकी जो वर्क थे वो किसी को समझ में नहीं आ रहे थे। तो चीजें वो क्या थी, जो वो गायब हुआ था, क्यों था, क्या रीजन था। और जब बंदा बाहर निकला, जब पता चला बंदे के बारे में, तो बंदा सक्सेस क्यों हो गया। तो एक तरफ बंदा सक्सेस क्यों नहीं हुआ, या बंदा जो है अनरिकॉग्नाइज था, गायब था, क्यों था, वो रीजन यहां लिखे हुए हैं। और इस तरफ वो भी पॉइंट है कि बंदे की शख्सियत किधर है, वो यहां पे लिखी है क्लियर। तो बहुत इजी चीज है, सक्सेस मिलती है, कहते हैं ना सत्य परेशान होता है पर पराजित नहीं। देखते हैं, सेम कहानी इस भाई के साथ में थी। कुछ गलतियां थी, कुछ कमियां थी, देखते क्या थी जी समय के साथ में। सबसे पहला पॉइंट था कि बंदे ने अपनी बुक पब्लिश की कब, 1865 के अंदर। बंदे ने 1865 में अपनी जर्नल है, अपने पेपर पब्लिश कर दिए थे, बट बहुत सारे वजह थे जिससे बंदा है जो अनरिकॉग्नाइज रह गया था 1900 तक। इसमें हमारे पास सबसे पहले रीजन है, रीजन नंबर 1। ओके, रीजन नंबर 1, सबसे पहला कारण था कि उस समय कम्युनिकेशंस नहीं था। क्या नहीं था, कम्युनिकेशन उस समय नहीं था, वॉज नॉट इजी। कम्युनिकेशंस नहीं था उस समय, व्हाट्सएप नहीं था उस समय, फेसबुक नहीं था उस समय, ट्विटर नहीं था। अगर होता तो साहब डायरेक्ट मेंडल सीधा ट्वीट मार देते तो पूरा बवाल मच जाता। मतलब समझ आइए, अब इस बंदे ने अपने जो काम किए वो ज्यादा पब्लिश नहीं कर पाया। ओके, तो अगर वो वाइडली पब्लिश होता तो शायद इतना वक्त नहीं लगता उसको अनडिस्कवर होने में। बट दिक्कत यह थी कि कम्युनिकेशन नहीं था, तो बंदा कुछ भी कर नहीं पाया, कुछ भी अपनी बातों को सही जगह बता नहीं पाया, लोग उसको सही समझ नहीं पाए थे। सबसे पहला रीजन कि बंदा अपनी बात को बता नहीं पाया, रीजन था कम्युनिकेशन नहीं था। यहां तक खाली क्लियर। पॉइंट नंबर 2, ये बंदा इतना एडवांस था अपने समय का कि इस बंदे को जज करने वाले साइंटिस्ट, मेरी बात को समझिएगा, बहुत सिंपल लाइन बता रहा हूं मैं। ये बंदा यानी मेंडल जी जो है, ये इतने एडवांस थे अपने समय के कि इनको जज करने वाले जो बायोलॉजिस्ट थे वो इसकी बात को समझ ही नहीं पा रहे थे। क्योंकि बंदे ने पहली बार क्या कर दिया था, बायोलॉजी में मैथ टिका दी थी। क्या कहता, बंदे ने बायोलॉजी में मैथ टिका दी थी। यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना टोटली न्यू एंड अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सेप्टेबल। बंदे ने क्या किया, अपने जो एक्सपेरिमेंट किए, जो डेटा निकले, जो रिजल्ट्स निकले, इस बंदे ने प्रिंसिपल एंड फॉर्मुलेशन के फॉर्म में इसने क्या किए, मैथ्स यूज कर लिया, सारे एल्गोरिथम यूज कर लिए। तो जब ये बंदा अपने पेपर या अपने रिपोर्ट कार्ड जब सबमिट किया था जर्नल के सामने या जो पूरी कॉन्फ्रेंस के सामने, तो उनको लगा है तो पागल है, पगला गया, तो बायो को मैथ आती है क्या। इस बंदे ने बायोलॉजी में क्या डाल दी, मैथ्स, अपनी चीजों को समझाने के लिए इसे मैथ्स का यूज किया, जो बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट था। अब जाके बहुत चीजें समझ में आ चुकी, बट उस समय के लिए बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था, लोगों को समझ में नहीं पड़ा। बोला चल निकल, रिजेक्ट। ठीक है, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो गई थी बेचारे के साथ में, क्या करें। तीसरा पॉइंट, मेंडल को पूछा गया था, मेंडल ने अपनी बात बताई थी कि कुछ जीन करके होता है, मतलब जीन तो नहीं था उसने उसमें, उसके लिए वर्ड बोला था फैक्टर। मेंडल वर्क सजेस्ट दैट फैक्टर जीन इज अ डिस्क्रीट यूनिट, कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ। मेंडल ने बोला साहब ऐसा होता है, एक पीढ़ी में पेरेंट्स होते हैं, उसमें जो एक फैक्टर निकलता है वो अगली पीढ़ी में जाता है। तो बोला ला प्रूफ, ला एविडेंस ला इसके।
बोला फिजिकल मेरे बता दे कहाँ किधर हो रहा है बता। तो ये बंदा जो है फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया, तो चीजें बहुत सारी थी। तो फिर क्या बोल रहे भाई नहीं है तो क्या है, वो तो सब एक्सपेरिमेंट में हो रहा है, मुझे थोड़ी दिख रहा है यहाँ पे एक्चुअली में। क्योंकि बंदे ने जो रिसर्च की थी ना, ये बंदे ने जो डिस्कवरी की थी वो डीएनए की डिस्कवरी की पहले की बात है। जब डीएनए का डिस्कवरी ही नहीं हुआ था तो बंदा कैसे बोले वो बंदा है क्या अंदर। अब हमें पता कि वो डीएनए था, अब हमें पता वो जीन थे, बट उस समय पता नहीं था। यहां तक आने क्लियर? बहुत सिंपल लाइन बोली मैंने, 3 पॉइंट मैंने बताए। कम्युनिकेशंस नहीं था, नंबर पॉइंट हो बायोलॉजी मैथ्स का यूज किया, बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट था, न्यू अप्रोचेस थी और जो अनएक्सेप्टेबल थी। तीसरा ये जो उसका जीन है फैक्टर है जो डीएनए है उसका फिजिकल प्रूफ ये दे नहीं पाया था, इसलिए क्या बोला इसको ये बंदा ज्यादा चल नहीं पाया, एक्सेप्ट इसको नहीं किया गया। यहां तक आने क्लियर? ओके। उसके बाद में 19 के अंदर कौन, 90s के अंदर आ गए थे हमारे तीन भाई साहब, कार्ल कोरेंस, वॉन सेनमार्क एंड ह्यूगो डिब्रीस। उन बंदों ने अपना रिडिस्कवरी करके सब बात कर बताती लोगों को समझाया कि गधों देखो 16 साल पहले एक बंदा आया था, चिल्ला चिल्ला के बोला था कि देखो मैंने कुछ किया है, पर आपके भेजे में उस समय नहीं उतरा था। जो आज हमने डिस्कवर की ये चीज बंदा पहले करके जा चुका है, तब इन तीनों बंदे ने उन उनके जो पेपर को उनकी भाषा में समझाया कि एक्चुअली बंदा ये कहने वाला था। बट देखिए गुड लक देखिए इन मेंडल साहब को, कि मेंडल ने बाद में वो सक्सेस मिली है, इन तीनों बंदों के बाद में वो सक्सेस मिली है ना, उसके पीछे भी क्या रीजन थे, कौन कौन से उसकी चीजें थी या उसकी इंपॉर्टेंट की उसके कारण इसको ज्यादा हेल्प मिल सके थी, तो उसने मेंडल की सक्सेस के पीछे बताया रीजन। तो इन्होंने मैंने टोटल 4 रीजन आपको बताए, चीजें रीजन तो बहुत सारे हो गए, बीच में सब पॉइंट बना दिए। तो 4 मेन रीजन है। रीजन नंबर 1, मेंडल ने क्या किया, स्टडी द इनहेरिटेंस वंस और टू करेक्टर एट द टाइम। बंदे ने संजोगवश या संयोगवश कुछ भी बोलो एक साथ में कचरा मिक्स नहीं किया, इसने एक समय पे या तो ओनली एक करेक्टर को स्टडी किया या दो ही करेक्टर को उसके साथ में स्टडी किया, इसने 3, 4, 5, 7 में करेक्टर नहीं लिए, इससे इसको बहुत ही आराम से सिस्टमेटिक उसको रिजल्ट मिलने चले गए। तो पहला इसका रिजल्ट सक्सेस का, इस बंदे ने अपने इनहेरिटेंस की स्टडी के अंदर एक और दो करेक्टर के साथ में यूज किए थे। यहां तक आने क्लियर? चलिए नंबर पॉइंट टू था कि सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। इस बंदे ने जो मटर का प्लांट चूज किया था ना, ये सबसे बड़ी उसकी सक्सेस थी। अगर ये मटर की बजाय कुछ और ले लेता तो शायद रिजल्ट कुछ और हो सकते थे, बट बंदे ने संजोग वो समझे, कुछ भी समझो उसके बताऊंगा कौन से रीजन थे जिसने मटर लिया था। एग्जाम में सवाल बनते हैं साहब, मेंडल की सक्सेस के पीछे क्या रीजन है। सवाल बनता है कि मेंडल ने मटर का प्लांट ही क्यों लिया, तो बहुत सारे वजह है आपको दिखा, तो कौन कौन सी वजह है इसने मटर के प्लांट को चूज किया था। पॉइंट 1 मेरे पास में यहाँ पे है कि बंदे ने गार्डन पी, जिसे हम बोलते देसी मटर बोलते हिंदी में या बोलते इंग्लिश में इसको पाइसम सटाइपम, इस मटर के प्लांट को इसने यूज क्यों किया। रीजन नंबर 1 कि ये जो प्लांट है एनुअल प्लांट है, एक बहुत सिंपल लाइन, एनुअल प्लांट है, इसका जो लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होता है, शॉर्ट लाइफ साइकिल। देखो मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखे यहाँ पे, कुछ भी मैंने घुमा फिरा नहीं, बहुत सिंपल लाइन लिखी मैंने, शॉर्ट लाइफ साइकिल। यानी इसका जो लाइफ साइकिल है, इसके सीड से लेके वापस न्यू प्लांट न्यू फ्रूट आने तक या न्यू पॉड आने तक ओनली कितने का समय लगता है, 2 to 3 मंथ, 2 से 3 महीने पूरी कहानी पड़ जाती है, फिर से साइकिल शुरू हो जाती है। ओके। नंबर पॉइंट टू, इसके अंदर जो बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग है बहुत ही लार्ज नंबर बनती है, और लार्ज नंबर में जो ऑफस्प्रिंग बनती है तो उसको ज्यादा एनालाइज कर पाएगा, ज्यादा समय पे वो कम समय पे वो ज्यादा चीजों को एनालाइज कर पाएगा। कहानी आता क्लियर? तीसरा पॉइंट, इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बहुत थे, बहुत ही ज्यादा इसमें कॉन्ट्रास्टिंग आपको ट्रेट देखने को मिले। एग्जाम्पल बताओ तो टॉल ड्वार्फ वायलेट एंड व्हाइट कलर, देन पॉड इन्फ्लेमेटेड एंड व्रिंकल एंड राउंड एंड व्रिंकल, मतलब बहुत तरह के। अभी हम बताएंगे अगले टॉपिक में इनमें कौन कौन से उन्होंने ट्रेट लिए थे, कौन कौन से इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लिए थे। ओके। इन्होंने 14 प्लांट पे 7 करेक्टर लिए थे। ओके। तो वहां पे कहता है इसमें बहुत अधिक कॉन्ट्रास्टिंग मिली, इसलिए ज्यादा ये ऑथेंटिकेट रिजल्ट निकाल पाया था। यहां तक आने क्लियर? चलिए फिर वही कहानी की जो पाइसम सटाइवम में है आपका, ये जो पी है ना क्या करता है, टोटली नेचुरली इसके अंदर क्या मिलता है, सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिला, और ये खुद बाद में जाके इसको हम क्रॉस पोलिनेशन भी करवा सकते थे, इसमें ऐसी कैपेबिलिटी थी। यानी मेरे कहने का मीनिंग यहाँ पे ये है कि मटर का जो प्लांट था इसके अंदर
नेचुरली क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, बट हम चाहे तो हम आर्टिफिशियल इस पे क्या कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं, जो बंदे ने करवाया था. ओके तो इसमें इजी क्या था, क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें इजीली अवेलेबल था. ओके एंड इजी टू कल्टीवेट, इसको उगाने में कोई ज्यादा मगजमारी नहीं थी. यानी अब मटर के प्लांट को अगर आपको उगाना हो तो ज्यादा इसमें पापड़ बेलने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत इजी तरीके से आप मटर का प्लांट उगा सकते थे. और इसकी जो सीड का जो आकार है वो भी लार्ज आता था. ये इतने सारे करेक्टर हैं, याद रखना. आपके अगर बोर्ड में सवाल बनेगा कि मेंडल ने मटर का पौधा क्यों लिया, तो रीजन वापस बोल रहा हूं, क्विक रिवाइज कर रहा हूं. शॉर्ट लाइफ साइकिल एनुअल प्लांट एनालाइज लार्ज ऑफस्प्रिंग्स इन शॉर्ट टाइम पीरियड एंड मैक्सिमम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड क्रॉस सेल्फ सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन एंड कैन बी डन परफॉर्म क्रॉस पॉलिनेशन इजी टू कल्टिवेट एंड सीड जो है वो लार्ज साइज में मिलते हैं. यहां पे कहानी क्लियर. चलिए अगला चलते हमारे पास में, यहाँ पे मेनी क्वांटिटेटिव एनालाइज द इनहेरिटेंस क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स. यानी इस बंदे ने बहुत ही ज्यादा नंबर में क्वालिटेटिव कैरेक्टर को एनालाइज किया, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटेटिवली इस बंदे ने क्या किया, क्वालिटेटिव जो कैरेक्टर्स थे इसको एनालाइज किया, तो इसको ज्यादा ऑथेंटिकेट डेटा और रिजल्ट मिले यहाँ पे. यानी इसने एक दो मटर पे नहीं किया था, इसने हजारों प्लांटों के ऊपर यहाँ पे मटर के हजारों प्लांट जो उसने मटर के उगाए थे जिनके बीच इसने इसकी स्टडी की थी, इसने इसकी जांच करके एक्सपेरिमेंट किए थे. कहानी यहाँ तक क्लियर. एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट बात, बंदे का हिसाब किताब पक्का था, बंदा पक्का मारवाड़ी था, ध्यान रखिएगा, था नहीं मजाक कर रहा हूं, ठीक है. मेंटेन द स्टैटिकल रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेरिमेंट. इस बंदे ने क्या किया, अपने सारे हिसाब किताब का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा, सही मायने में रखा. भाई ये इसकी देखो बुद्धि, देखो कुछ भी छोटा भी काम करता रिकॉर्ड रखता था जर्नल में कि मैंने ये चीज ली है, क्यों ली है, कैसे ली, क्या रिजल्ट आया. इसने प्रॉपर एक रिकॉर्ड बनाया जिसे हुआ क्या कि ये बाकी रिकॉर्ड को पहले रिकॉर्ड से कंपेयर कर पाया और आराम से स्टेप बाय स्टेप आगे फॉरवर्ड होता चला गया. यहां तक आने क्लियर. हमने अभी जो डिस्कशन किया है वो हमारे पास में थे कि मेंडल के फेल होने के रीजन क्या क्या थे और मेंडल के सक्सेस होने के रीजन क्या क्या थे. अगर आपको जानना है आपके सक्सेस होने का रीजन, तो ठोको लाइक शेयर सब्सक्राइब. जय हिंद, जय भारत.